हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्किंग टेप के बारे में। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट भी पूछते रहते हैं कि आप कौन सी मास्किंग टेप यूज़ करते हो, तो इस वीडियो में आपको दिखाऊँ कौन सी टेप मैं यूज़ करता हूँ। उससे पहले बात करते हैं कि टेप हम यूज़ क्यों करते हैं अपनी ड्राॅइंग्स में, स्पेशली स्केचेज में, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्केचेज ही बनाता हूँ। जैसे कि मैंने ये स्केच बनाया था, तो इस स्केच में आप देख सकते हैं नीचे की साइड बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से हुआ है। तो इस तरह से करने के लिए यहाँ पर मैंने पहले टेप लगाई, फिर ड्रॉ किया, ताकि देखो कितना मस्त लग रहा है नीचे से। अगर हमको बिल्कुल व्हाइट बॉर्डर छोड़ना है, चारों साइड टेप लगा सकते हैं ऊपर या फिर, इसमें मैंने ओनली नीचे नीचे लगाया था, तो इसलिए हम टेप का यूज़ करते हैं। तो बॉर्डर देने के लिए या फिर कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए हम टेप का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब हम टेप को पील करें तो वो वाला एरिया बचा रह जाए, वहाँ पे शेडिंग ना हो, वहाँ पे पेंटिंग ना हो। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं करता हूँ ज़्यादातर शेडिंग पेंसिल से, ग्रेफाइट से, चारकोल से, ठीक है। तो उसके लिए मैं बताऊँगा कौन सी टेप मैं यूज़ करता हूँ। तो आई यूज़ दिस वॉशी टेप, जो कि मेड इन जापान है, आपने देखा होगा। एक साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मेरी वीडियोज़ में आपको दिखती होगी, जब भी मैं कोई टाइम लैप्स वीडियो या फिर ट्यूटोरियल डालता हूँ तो ये लगी रहती है। मैंने आपको आज तक बताया नहीं है, फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। सो मैं यही टेप क्यों यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने उससे पहले देखा होगा, स्टार्टिंग में मैं ये टेप यूज़ करता था, जो कि नॉर्मल मास्किंग टेप होती है, आपको मार्केट में मिल जाती है। बट ये ना पेपर को पील कर देते हैं, पेपर फट जाता है कई बार इससे। तो अगर हम इतनी मेहनत से ड्राइंग बनाएं और उसके बाद पेपर पील करने में पेपर फट जाए, तो बहुत दुख होता है कि बॉर्डर फटे फटे से दिखते हैं और फिर पूरी ड्राइंग ही ख़राब लगती है हमको। तो उससे बचने के लिए ये टेप मैंने हॉबी क्राफ्ट से ली थी। काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिले, मतलब एक बार भी पेपर पील करते हुए पेपर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है। काफ़ी पतली टेप है और ये 18 मीटर्स की होती है। देखो इतनी सी है लेकिन काफ़ी पतली है, तो 18 मीटर्स की, और ये बहुत चल जाती है, आपकी 5-6 महीने चल जाएगी आराम से। मैं तो डेली ड्रॉ करता हूँ, कमीशन वर्क्स बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, फिर भी मेरी एक टेप 2-3 महीने चल जाती है। और ऐसा नहीं कि एक बार आपने लगा दिया फिर उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे। इस टेप को आप 4-5 बार, उससे भी ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेपर डैमेज नहीं होता। तो पेपर डैमेज नहीं होता तो टेप भी डैमेज नहीं होती। टेप को निकाल के मैं यहीं टेबल पर लगा लेता हूँ, फिर दोबारा किसी ड्राइंग में वही टेप को लगा लेता हूँ। तो ये बेनिफिट भी है इस टेप का। बट अगर किसी नॉर्मल टेप की बात करूँ, एक बार पेपर पील हो जाए तो टेप भी ख़राब होती है, ऊपर से पेपर भी ख़राब होता है और आर्ट वर्क भी ख़राब होता है, हमारी मेहनत भी ख़राब होती है और बहुत बुरा भी लगता है। मास्किंग टेप ना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल होती है, अगर उसको यूज़ करना आता हो तो। मैं आपको एक बार पेपर पे यूज़ करके दिखा देता हूँ, पील करके दिखा देता हूँ कि पेपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है। सो गाइस, ये मास्किंग टेप है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, अराउंड मैं एक साल से यूज़ कर रहा हूँ। और देख लो कुछ इस तरह की, इसका जो पैक होता है वो कुछ इस तरह का होता है, पूरी सील, बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है सब कुछ। तो मैं आपको टेप निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह की है, देखो काफ़ी पतली, बिल्कुल पतली सी टेप है। देखो काफ़ी प्रेस करके मैं लगा रहा हूँ, देखो काफ़ी ईजिली पेपर के ऊपर लग जाती है, देखो इस तरह से। और निकालना हो तो बिल्कुल भी पेपर पील नहीं होता साथ में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस टेप की, कि ये पेपर को डैमेज नहीं करती है, चाहे आप कितना ज़्यादा अच्छे से कर लो। देखो इस तरह से मैंने किया, ये देखो बिल्कुल भी पेपर डैमेज नहीं हुआ है। तो आप एक टेप को काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, जब तक कि बिल्कुल गंदी नहीं हो जाती। इस तरह से एक बार आपने यूज़ किया, एक बार लगाया, फिर ड्राइंग की, फिर आप इसको निकाल सकते हैं, फिर दोबारा लगा सकते हैं, फिर दोबारा निकाल सकते हैं, पेपर डैमेज नहीं होगा। जैसे कि मैं इस तरह से साइड में यूज़ करता हूँ, आपने देखा होगा वीडियो में, फिर सिंपली इस तरह से निकाल सकते हैं। काफ़ी पतली सी है तो इतने में 18 मीटर्स की हो जाती है ये। वैसे ये तो मैंने यूज़ कर लिया है, रियल में तो ये इतनी होती है। तो अब ये वाली टेप ट्राई करते हैं, जो कि नॉर्मल ट्रांसपेरेंट टेप होती है, काफ़ी लोग ये भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बॉर्डर के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम इसको पील करेंगे तो साथ में पेपर भी पील होगा। देखो टेप के ऊपर पेपर भी आ रहा है, पेपर फट रहा है, ये देखो यहाँ से देखो। ये प्रॉब्लम होती है नॉर्मल टेप में, जो कि अगर आपकी ड्राइंग में हो जाए तो बहुत भद्दा लगता है, और फिर आपका पेपर यहाँ से कुछ इस तरह का लगेगा। तो अब ट्राई करते हैं ये वाली टेप, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, इजीली आपको मार्केट में मिल जाती है मास्किंग टेप के नाम से। कैनवस वगैरह में यूज़ करते हैं इसको यूजली ज़्यादातर लोग, बट पेपर में भी करते हैं। काफ़ी मोटी होती है ये और काफ़ी स्टिकी भी होती है। सो इसको पील करके देखते हैं, इसमें भी साथ में पेपर पील हो रहा है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, बट हल्का हल्का हो रहा है। वो आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा,
बट जो पेपर के पार्टिकल्स हैं वो इसमें बहुत सारे आ रहे हैं। सो गाइस जैसे कि आपने देखा पेपर बिल्कुल भी पेल नहीं हो रहा था, काफ़ी अच्छे से बिल्कुल स्मूथ है, ये हार्ड नहीं है बिल्कुल भी टेप। यूजली जो टेप होती है काफ़ी हार्ड हार्ड टाइप की होती है, जैसे कि अगर आप ये देखोगे तो ये काफ़ी हार्ड सी होती है, बट ये बहुत ज़्यादा स्मूथ सी है और काफ़ी अच्छे से आप पील कर सकते हो, लगा सकते हो। तो अगर आप इसको बाय करने आते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अराउंड 150 रुपीज़ की आपको एक टेप मिलेगी, बट आप जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने चल जाएगी, 6 महीने से ज़्यादा भी चल सकती है। और इस तरह की आपको और भी फेक टेप भी मिल जाएंगी सस्ते सस्ते में, वो बाय मत करना। ये मेड इन जापान है, वाशी टेप बोलते हैं इसको, 18 मीटर्स की है, तो 18 मीटर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, दीवार पे, फ़ोन पे, किसी गैजेट्स पे, पेपर पे, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आपको आर्टवर्क बनाना है। तो जो लोग पूछ रहे थे कौन सी टेप यूज़ करते हो, ये वाशी टेप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अमेजोन पे सर्च करना वाशी टेप मेड इन जापान, तभी आएगी, नहीं तो वाशी टेप तो काफ़ी सारी हैं, बट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यही वाली है। काफ़ी कलर्स में मिल जाते हैं, आपको जौन सा कलर लेना आप ले सकते हैं। सो गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बस आपको टेप के बारे में बताना था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।